जाहिद, और जैसा कि आपको बताया था कि 25 तारीख को 4 बजे अदनान भाई के छत से शो कराना है, तो टाइम की थोड़ी जो है ना मसरूफियत की वजह से लेट हो गए हैं। तो ये अदनान भाई के सेटअप पे हम आए हुए हैं, तो अदनान भाई आएँ ज़रा। अदनान भाई के आपने पोस्टों में फेसबुक पे देखे होंगे कि जो है कैलेंडर वाले कबूतर बड़े मशहूर हैं इनके, ठीक है? आडियो ओके, तो आज तो हमने सोचा कि अदनान भाई जो के पिजन स्पोर्ट्स के सेगमेंट में आज आए हुए हैं और बर्ड गैलरी के टूर्नामेंट के सेकंड पोजीशन होल्डर 2017 जेठ, तो आए हैं अपना अदनान भाई से तारुफ कराते हैं आपका। और अदनान भाई कैसे हैं? ठीक है शुक्र भाई, आप सुनाएं? ठीक ठाक, बस ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। हाँ जी, जाहिद भाई आज आए हैं हमारे सेटअप पे, तो काफ़ी इंजॉय भी किया हमने, और इंशाल्लाह जो शौक आज हो रहा है इंशाल्लाह आपको भी शौक करवाते हैं साथ साथ। कोई लंबा चौड़ा सेटअप नहीं है, चंद मखसूस सी ब्रीड्स हैं अपनी, उसी के हवाले से आपको बड़े दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हमें शौक लाइव शौक करवाया जाए। तस्वीरें वगैरह तो आप देखते रहते हैं, क्रेज़ की हद तक शौक है मुझे। तो ये मेरे हाथ में है एक कैलेंडर वाला कबूतर है, और ये जो सबसे पुरानी नस्ल हमारे पास पड़ी है इधर। अच्छा अदनान भाई, बाज़ लोग समझते हैं कि कैलेंडर वाले कोई कैलेंडरों में नज़र आते हैं, ये कैलेंडर वाले कहाँ से? एक तो आपके वाले साहब उस्ताद सूफी दोस्त मोहम्मद साहब जो कैलेंडर का यानी कि बिजनेस करते थे, उस हवाले से ये कैलेंडर वाले कहा जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है, कुछ बिजनेस का भी हवाला था और खूबसूरती के हवाले से इनके खूबसूरत ये इतने थे कि लोग अक्सर कहते थे कि पोस्टर के ऊपर लगनी चाहिए इनकी तस्वीरें, ठीक है? तो इस हवाले से इनका नाम कैलेंडर वाला पड़ गया। बेसिकली ये कसूरी ब्रीड में से हैं ये वाले, जो अमृतसर पाकिस्तान बनने से पहले के मेरे वाले साहब के पास हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 3-4 साल हुए हैं यहाँ पर छत स्टार्ट किए। आप 2014 में जी न्यू मुल्तान में फर्स्ट पोजीशन, जी 2015 में न्यू मुल्तान में फर्स्ट पोजीशन, जी 2016 में शायद आपका कैलेंडर वाला बच्चा आल मुल्तान फर्स्ट पोजीशन, बिल्कुल ऐसे। और बर्ड्स गैलरी के 2017 के टूर्नामेंट में आपके सेकंड पोजीशन आई है, और जो है 6:33 पे उतरी है जी भाई, 6:33 पे बैठी थी कैलेंडर वाली मादा माशाल्लाह। और नेक्स्ट प्रोडक्ट में कुछ मिसअप इस तरह का हो गया कि वो रात वही रह गई, तो इंशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखाई कैलेंडर वालों ने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट भी आपको अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह सारा बाजियों का उड़ान देखने का मज़ा आएगा। अच्छा तो अदनान भाई से पूछते हैं कि खासियत क्या है इन कबूतरों की, अदनान भाई दिखाएं जरा। खासियत माशाल्लाह सारे समझदार हैं भाई, सब समझदार हैं। ये कुंदा देखें, वेरी गुड, ठीक है। और आई क्लोजअप हो सकता है आपका? हाँ जी हाँ जी, ये देखें। ये आई क्लोजअप है, ये प्योर कैलेंडर वालों में से है, उम्र सीधा कबूतर है ये। हाँ जी ब्रावी, ये पंजे हैं भाई इसके, सही। ठीक है जी, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम। फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ भाई, और भी शो करवाऊंगा एक दो आगे जो इनकी ब्रेड चल रही है, वो कलर चेंज भी है इनमें। अच्छा तो अब्रार भी लाहौर में भी कैलेंडर वाले उस्ताद हाफिज का मान साहब जी, मेरे बड़े भाई हैं हाफिज उस्ताद साहब, में की वजह से ईद का सिस्टम चल रहा है, कुछ कारोबारी मसरूफियात इसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सका, लेकिन मेरा छोटा भाई है शहबाज, इंपीरियल होटल वाले शहबाज भाई में लाइव नहीं चल, मुझे पता मैं कर लूंगा।
ये शिवाज भाई हैं, इंपीरियल होटल करीबी दोस्त हैं। जेड 2000 में सेकंड पोजीशन होल्डर हैं ये बर्ड्स गैलरी के टूर्नामेंट में। क्योंकि बर्ड्स गैलरी का इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि बादशाह लोग कहते हैं कि बर्ड्स गैलरी का हवाला देना चाहिए। तो ये शिवाज भाई है। शिवाज भाई अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को मेरा सलाम। तो शिवाज भाई, अब ये जो आपका कपूर है 3 इंटी टूर्नामेंट का, शीतल रमेशी और उस्ताद प्रोफेसर खान रिहान खान साहब की तरफ से, तो इसके लिए कैसी तैयारी हो रही है? इंशाल्लाह की तैयारी इंशाल्लाह भरपूर है, दोस्तों को शो देख के मजा आएगा इंशाल्लाह। तो आइए अदनान भाई को कुछ आपको ब्रीडर जोड़ो की जो है ना चाहते हैं, आज शो करवाते हैं। लाया था मैं कैमरा, आप पकड़ो मुझे पकड़ा दो, जो दिल करता है वो देखो। अच्छा, आपकी पोस्टों में अपना अदनान भाई, आपके अक्सर पोस्टों में सोना टैडी के जो है ना बड़े चर्चे होते हैं, तो जरा उनका शो करवाएं। वो दूसरे लोक में है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा क्रॉस ब्रीड में ये वाले हैं सारे। अच्छा, ये भी कैलेंडर वाले ही हैं आपके, माशाल्लाह। ये देखो, ये असल में 8-8 पर की पट्टी है ये, अभी ये देखो सही ठीक आ रही है। आइस ग्लोजर ये भी कैलेंडर वाले हैं आपके भाई, ये भी कैलेंडर वाले। ये इसके पंजे हैं। तो अदनान भाई, वो जो 6:33 पे आपकी जून में उतरी थी कबूतरी, तो उसका जरा आपने थोड़ा सा तारुफ कराते कि ये ब्रीडिंग सिस्टम है। अच्छा, ये ब्रीडिंग सेटअप है, और वो ठीक है ठीक है, उड़ार का वो उधर से बाद। हाँ जी, हाई फ्लाई वाली हमारी वो इंशाल्लाह, वो भी सिर्फ थोड़ा सा ये फटकों वगैरह में तैयारी कर लें इंशाल्लाह, फिर आपको मुकम्मल विजिट करवाएंगे। ये एक ही ब्रीड चल रही है मेरे पास टोटल। सही, ये कौन ये पन्ने हैं इसके, माशाल्लाह। अच्छा अदनान भाई, जरा ये भी आपके कैलेंडर जी? जी भाई बिल्कुल, ये भी कैलेंडर वाले हैं ये। सही आ रहा है क्लोजर? हाँ जी ठीक। अच्छा, ये मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ कलर हैं इसमें, मुख्तलिफ कलर हैं आप? हाँ जी, कैलेंडर वाले। हाँ जी, ये ये भी। अरे ये भी कैलेंडर वाला है? जी भाई, ये भी कैलेंडर वाला है, और ये बड़ा अच्छा हाई फ्लायर है ये खुद। ये मैंने ना ब्रीडिंग के लिए, हाँ जी ब्रीडिंग के लिए मैंने स्टोर किया इसको। सही सही, माशाल्लाह मजबूती के हवाले से हर लिहाज से। ये भी बिल्कुल भाई, अगर आप कैलेंडर वालों की छत पर आए हैं तो कैलेंडर वाले ही मिलेंगे भाई। ये जनाब हम हैं अदनान शिराज मुल्तान की छत पर, और आपको कैलेंडर वाले का शो करवा रहे हैं। तो जो तो के उस्ताद सूफी दोस्त मोहम्मद के घर की ब्रीड है अदनान भी, जरा क्लोज। हाँ जी बिल्कुल, आगे हम अपने बुजुर्ग से आपका तारुफ करवाएंगे, तो वो मुकम्मल आपकी डिटेल तारीख कुछ सवाल जवाब बड़े दोस्तों हाँ के करने वाले। ये तो माशाल्लाह उस्ताद जो हैं अपना, ये आप अभी मिलवाते हैं वाली साहब के, हाँ साथ शो करते रहे शागिर्द हैं उनके।
बन गई है तो ले आओ जी भाई। आई क्लोज दिखाएं जी भाई। अच्छा तो अदनान भाई और भी माशाल्लाह आपने काफी नकली रखी है। हाँ जी, इसमें से कुछ कैलेंडर वालों में से कासनी है जो जिनका अच्छा रिजल्ट है इनके साथ, वो भी अभी आपको शो करवाते हैं। ये जी माशाल्लाह रामपुरी है जी, ये मेरा बड़ा जोड़ा है रामपुरी ठीक। और ये माशाल्लाह प्योरिटी में इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है इनका। ये दोस्तों शो करें अदनान भाई का रामपुरी कबूतर, और आई क्लोजअप आ जाएगा जी जी जाएगा। ये है जी अदनान शिराज के घर का रामपुरी कबूतर। तो इसके ये पट्टा है इसका, बाबू पीछे बैठे ये उसका बाप जी। दोस्तों ये शौक करें अपना अदनान शिराज के रामपुरी कबूतर, आई क्लोजअप दिखाएं। फिरोजपुरी मादा, फिरोजपुरी। अच्छा अदनान भाई, आम बंदे अक्सर बंदे ये समझते हैं कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि जो है ना कैलेंडर वाले कोई कैलेंडरों में तस्वीरें होती हैं तो इस कैलेंडर से जो है ना नाम रखा गया जी जी। ये देखिए ये अदनान शिराज साहब के अदनान भाई कौन सा कबूतर है? ये भाई लाल चीनों में से है। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि ये कलर भरे हुए हैं या इस तरह के हैं। चलो आज लाइव देखने का मौका भी मिल गया सब दोस्तों को। तो ये दोस्तों ओरिजिनल है ये। ये देखें दोस्तों ये अदनान शिराज साहब। अदनान भाई कौन सी नस्ल में से है ये? ये वही कमगर कासनी कमगर है ये वाले। ये तो रिजल्ट वगैरह? हाँ जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है इनको। असल में मैंने क्रॉस वगैरह किया हुआ है इनके साथ कैलेंडर वालों के साथ, और माशाल्लाह मजबूती के हवाले से तो बेहतरीन है। अच्छा अदनान भाई, अक्सर अक्सर बंदे कहते हैं कि ये डब वाले हैं और कमगर हैं, तो अक्सर उनकी लाल आंखें होती हैं, लेकिन इसकी आंख जो है ना ये देखें जरा। जी जी भाई, ये असल में ऐसे है बच्चे वगैरह ये पाल रहा है, आंखें इनकी रेड ही हैं। असल में ये बेसिकली तो कसूरी कबूतर है ना ये वाले, तो आंखें तो इनकी लाल ही होती हैं। तो लेकिन अदनान भाई वैरायटियां सब मुख्तलिफ हैं, ये कोई नस्ल में खासियत है? भाई पता एज के हिसाब से, एज के हिसाब से भी चेंजिंग है। कुछ फ्रीज का झाड़ का मौसम है, ये देखें ये भी माशाल्लाह इनमें से है। ये भी कैलेंडर वाला है ठीक।
अदनान भाई ये कैलेंडर वालों की ही पट्टी है। हाँ जी ये कैलेंडर वाला। ये दोस्तों देखिए अदनान शहराज साहब की छत पे, आपको मैंने कल पोस्ट लगाई थी कि 4 बजे अदनान शहराज की छत पे जो है ना शो करेंगे, तो आज आपको दिखा दिया है कि कैलेंडर वाले कबूतर। तो अदनान भाई सादे मोहतरम को जो है ना एक मिनट आप शॉप ये देखें दोस्तों अदनान शहराज के कैलेंडर वाले कबूतर। कैलेंडर वालों के साथ और भी नस्लें रखी हुई हैं। अदनान भाई 2014 में न्यू मुल्तान में पहली पोजीशन, 2015 में न्यू मुल्तान में पहली पोजीशन, 2016 में विनर बच्चा और 2017 में सेकंड पोजीशन होल्डर हैं। तो आज बस टाइम की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से लेट हो गया, 4 बजे का टाइम था, तो अब तकरीबन टाइम हो गया है तकरीबन 5:30 का जो है ना टाइम हो गया, तो लेट हो गया थोड़ा सा। आपको सेटअप दिखाते हैं, ये अदनान भाई का सेटअप है। ये जी हैं हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर मकबूल जानी पहचानी शख्सियत, तो जो कि अदनान शहराज साहब के वालिद साहब के जो है ना बहुत करीबी है। तो ये आपको बताएंगे कि असल कैलेंडर वाले कहां से जो है ना स्टार्ट हुए हैं। तो मास्टर साहब आप बताएं जो है ना कैसे ये कैलेंडर वाले। अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बात बेटा ये है उन्हें 60 रुपए का कबूतर खरीदा था, ठीक, जबकि भैंस 25 रुपए की उस वक्त मिलती थी, बकरा वगैरह 5-7 रुपए का मिलता था। सही, ये इंडिया से लेकर आए थे जी जी हमारे उस्ताद सूफी दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह के उस्ताद लाहौर में थे। सही, बाबा फरोजी और बाबा फौजी। सही, इनका तल्लक ये अच्छा पहलवान गोगा पहलवान इनके खानदान से बहुत करीबी इनके तल्लुकात थे। सही, उसके बाद इनके नामवर शिगिर्द जो है ना सूफी दोस्त मोहम्मद कैलेंडर वाले आप सुल्तान जी जी, उस्ताद मोहम्मद रफी टैरों वाले भाटी चौक लाहौर। सही, और उस्ताद मोहम्मद इसहाक जरी वाले तिल्ले का काम करते थे लाहौर में। सही सही, मक्की बाजार में। सही, तो ये बेटा हमारे पास मतलब कि हम पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त की ये हमारे पास ये नस्ल है, इनमें हमारे पास चीने भी हैं। हाँ जी, वो देखे हैं ना। हाँ जी हाँ जी, इनमें चीने भी थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, कलसरे और जौसरे भी बनाए हैं ये हमारे पास, देख लो मेरी माशाल्लाह 60 साल उम्र है। सही, और ये हमारी मतलब कि नस्ल दर नस्ल ये चले आ रहे हैं। मेरा भतीजा लाहौर में इनका बड़ा भाई जी जी माशाल्लाह उस्ताद है लाहौर का। हाँ जी, उस्ताद कामरान, हाफिज कामरान साहब। हाँ जी, उस्ताद है उधर, उनके पास मतलब कि ये ओरिजिनल हाथ में पड़े हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल हाथ में पड़े। इनकी इतनी इतनी लंबी परवाजें हैं जी जी। अब भी हमारा बच्चा इसी 2017 में जून में 2:01 पे बैठा 2 कली का। सही, तो अदनान भाई जेठ 2017 में 6:33 पे आपकी कबूतरी बैठी थी, वो भी इसी वाली हाँ, वो भी इसी नस्ल में, वो भी कैलेंडर वाली है, मगर पता क्या ये हमारे ब्रीडर कबूतर है जी जी।
अगर आप हमें बता के आते ना, हम आपको जो हमारे उड़ने वाली अक्सर दोस्त कहते थे ना कि अदनान शिराज के कैलेंडर वाले तस्वीरों में देखे हैं, तो फिर दोस्तों की फरमाइश पे मैंने कहा चलो आपको जो है ना शो करवाएंगे। 4 बजे का टाइम दिया था तो थोड़े लेट हो गए खाना वगैरह खाने में। खूबसूरत नहीं है जी जी, परवाजें बहुत गंदी है। नहीं माशाल्लाह पुरानी ब्रीड है, आप बता रहे हैं जैसे इंडिया से 65 रुपए का ये लेकर आए थे। ठीक ठीक सही। और इनमें कलसरे भी हैं। सही हाँ ठीक, वो भी कैलेंडर वाली, वो भी कैलेंडर वाले जौनसरे जिसको जौनसरे बोलते हो। हमारे ये सन 71 में बाजियों में उड़ते रहे हैं। सन 71 में? हाँ जी। अदनान भाई आपकी कोई हो, कोई किन से वाले साहब की बाजियां जो लगती थी उस्ताद सूफी मोहम्मद उस्ताद दिलजी साहब। हाँ जी, अल्लाह ताला उनको ग्री के रहमत करे। आमीन। बहुत अच्छे उस्ताद थे। आमीन। उनके साथ उस्ताद खलीफुद्दीन मोहम्मद मरहूम। सही। सब अब तो माशाल्लाह अल्लाह उनको ग्री के रहमत करे। हाँ जी। और एक और बात बताऊं। हाँ जी, सूफी दोस्त मोहम्मद साहब एमए पास थे इंडिया के दौर से। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और बाहर रेश थे। हमारा एक पोता है जो लाहौर में जी, उसको भी माशाल्लाह आगे ये हमें हमारे खून में शामिल है, कबूतरबाजी और पहलवान। जी जी सही सही। मुल्तान में जी, जो हमने ये एवरेज सिस्टम है ना जी। हाँ जी, पहले मुल्तान में बेटा 5 कबूतर उड़ते थे। हाँ जी, आखिरी की बुनियाद सिस्टम। कब से शो कर रहे हैं आप? लाहौर से जब शिफ्ट हुए हैं आप इधर मुल्तान में, तो कौन से सन में आप इधर मुल्तान में शिफ्ट हुए हैं? पहले तो आप लाहौर में ही होते थे ना? मैं लाहौर में ही होता था। 2012 में कारोबारी वजूहात की बिना पर यहाँ पर शिफ्टिंग हुई मेरी, और 2013 से स्टार्ट किया कबूतरबाजी मुल्तान में। और माशाल्लाह 14 में आप? हाँ जी, 14 में विन किया था आपने। न्यू मुल्तान टूर्नामेंट था, उसमें माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आई थी। सही। 2015 में एक और इलाकाई था टूर्नामेंट था, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन आई। तो इस दफा आल मुल्तान किया 2017 में डेट में, तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी। सही। सेकंड पोजीशन आई है। ठीक। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बताया इंशाल्लाह कोशिश साथ-साथ जारी रहेगी, इंशाल्लाह मजा भी आएगा दोस्तों को देखने का। सही। तो इंशाल्लाह आपके साथ-साथ ही है। और कोई बात आप कहना चाहते हैं? नहीं उन्होंने नहीं करनी है। चलो उन्होंने पता ही नहीं है। हां उस्ताद उठ गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हैं, ये अदनान शिराज साहब। अच्छा जी, आपकी छत के सीनियर मुनसिब हैं ये जी हाजी इकबाल साहब हैं, और अदनान भाई के जो है ना इधर मुनसिब भी होते हैं, तो इधर शौक भी जो है ना मुल्तान में करते हैं। तो आपने भी जी रखे हुए हैं कैलेंडर वाले में? ये हमारे पास यहीं से गए। ठीक, माशाल्लाह मुल्तान में काफी मशहूर है फिर कैलेंडर वाले। बहुत मशहूर। तो सही, ये किस पे जा रहे थोड़ी देर तक? अच्छा दोस्तों, जरा जो है ना अपना चाय का जो है ना प्रोग्राम रखा हुआ है, तो चाय पी के आपको जो है ना दोबारा टच करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे 10 मिनट बाद फिर आपको जो है ना शो करवाते हैं अदनान भाई के कैलेंडर वाले कबूतरों का।